नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द HSSC अड्डा में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने अपना हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस है जैसे हरियाणा SSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए मॉक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है और 11वां मॉक टेस्ट आज का। इससे पहले 10 और लेके आए हैं मॉक टेस्ट, उम्मीद करते हैं वो आपको पसंद आए होंगे। इसमें शुरू करते हैं अपना जो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सिंचाई विभाग है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है इसका जो मुख्यालय है अपना ये अपना जो पंचकुला सेक्टर 5 है, सेक्टर 5 पंचकुला में इसका जो मुख्यालय है। नेक्स्ट है, किस कारण से एक विमान ऊर्ध्वाधर पास में हवाई करतब कर पाता है? जो हवाई करतब करते हैं दिखाते हैं, आपने देखा होगा, तो किसकी वजह से, जो गुरुत्व होता है, ग्रेविटी होती है, उसकी वजह से ये करतब कर पाता है। देखिए, कोई भी स्टूडेंट टीचर ये नहीं चाहता कि भाई वो अपने स्टूडेंट को गलत पढ़ाए, ठीक है। अगर फिर भी आपको कुछ ये लगे कि भाई इस क्वेश्चन में ये आंसर होना चाहिए, इसका ये हमें ये आंसर लगता है कि आपने ये गलत बताया है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का हम आपको जो कमेंट करेंगे उसको देखेंगे कि भाई ये सही है या नहीं है, फिर उसको अगर सही लगेगा तो हम आपको कमेंट को पिन कर देंगे ताकि और भी बच्चे हैं जो उसको देख सकें। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, जो HAU है अपना, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए, इसके बारे में HAU के बारे में कुछ बातें बता देते हैं हम आपको। ये अपना जब सदन की छुट्टी होती है तो उस टाइम पे जो पास करना होता है तो अध्यादेश वगैरह लेके आना पड़ता है, तो उसी में 2 फरवरी 1970 को एक अध्यादेश ला के इसको जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसको लाया गया था। फिर बाद में इसको 29 मार्च 2017 को लोकसभा में इसको पास किया गया था, 29 मार्च 1970 को। इसलिए अगर एग्ज़ाम में अगर ये 2 फरवरी 1970 है तो ये आएगा, 29 मार्च 1970 है तो ये आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर रहने वाला है। और आपको बता दें, ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है अपनी, और इसके जो वाइस चेयरमैन है, VC हैं, वो हैं अपने डॉक्टर KP सिंह, और चांसलर हैं इसके वो सत्यदेव नारायण आर्या, जो अपने गवर्नर हैं वो इसके चांसलर हैं, और जो अपने 7वें जो PM थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम पर ये हरियाणा एग्रीकल्चर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है जो ये हिसार में बनाई गई है अपनी। नेक्स्ट है, जो अपशिष्ट जल उपचार का होता है उसमें रिएक्टर यूज़ किया जाता है एक वर्ड, उसका क्या उल्लेख किया गया है रिएक्टर शब्द क्यों? तो वो है जो वातन टैंक है अपना, वातन टैंक, उसके लिए इसका जो रिएक्टर शब्द है एरिएशन टैंक होता है जो उसके लिए यूज़ किया जाता है। किस जिला में हरियाणा का पहला जो महाविद्यालय है वो खोला गया था, पहला कॉलेज जो खोला गया था तो वो था जो रोहतक है अपना, रोहतक में जो पहला महाविद्यालय है वो खोला गया था। उर्वरक है किस में नाइट्रोजन मात्रा है, जिसमें उर्वरक है इसमें कौन सी उच्च नाइट्रोजन मात्रा होती है, किसमें जो ये उर्वरक दिए हैं अपने चार, तो इसमें जो अमोनियम नाइट्रेट होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है इनमें से बाकी की तुलना में। विकास कृष्ण यादव किस खेल से संबंधित हैं? देखिए, विकास खेल कृष्ण यादव से इसके बारे में हम 4-5 पॉइंट बता देते हैं आपको। ये तो जो मुक्केबाजी करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं वैसे, तो इनका जन्म हुआ था 10 फरवरी 1992 में, और ये जो हिसार है अपना, हिसार सिंधवा खास है जो, वहाँ से बिलोंग करते हैं, और जो अपना BBC है, भिवानी बॉक्सिंग क्लब भिवानी में है, वहाँ पर ये बॉक्सिंग करते थे, वहाँ पर प्रैक्टिस करते थे, और इन्होंने जो अपना एशियन गेम 2018 है इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीत के इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था एक। देखिए, ब्रॉन्ज मेडल इस वजह से जीत पाए, इनकी चोट लगी, चोटिल हो गए थे जिसकी वजह से जो सेमीफाइनल का मैच है वो नहीं खेल पाए थे, और जो रिकॉर्ड बनाया इन्होंने लगातार 3 बार एशियन गेम्स में मेडल जीतने का, एक बार जो 2010 का वो एशियन गेम हुआ था अपना जो चीन में हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और जो 2014 में हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल, और 2018 है उसमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड ही हैं ये अपने। लंदन का जो रॉयल सोसाइटी है उसमें जो प्रथम भारतीय सदस्य किसे बनाया गया था, तो बनाया गया था अपना जो AC वाडिया है, AC वाडिया को जो अपना पहला बनाया गया था इसका सदस्य, प्रथम भारतीय इसका सदस्य बनाया गया था AC वाडिया को, और ये AC वाडिया हैं जो अपने मुंबई से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, वंदे मातरम परियोजना है किसके साथ जुड़ी है? देखिए, नाम से ही आपको दिख रहा होगा मातरम किसके लिए यूज करते हैं, माता के लिए, महिला के लिए ही हेल्थ स्कीम है, कि वंदे मातरम हेल्थ स्कीम है, 2004 में आई थी अपनी, और इसमें कंट्रोल किया जाता है जो मोर्टलिटी रेट होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन का मोर्टलिटी रेट
मृत्यु हो जाती है, बच्चे की जो हेल्थ कंडीशन है वो ख़राब हो जाती है, उसको रोकने के लिए वंदे मातरम जो योजना है, हेल्थ स्कीम है, ये 2004 में लाई गई थी। भारतीय विश्वविद्यालय को सबसे पहले किसके काल में स्थापित किया गया था? जो विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, तो किसके, जो लॉर्ड कैनिंग थे उनके शासनकाल में, जिसमें ये जो पहले महाविद्यालय थे वो स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मसाला जो हरियाणा में सर्वाधिक पाया जाता है, मसाला जो स्पाइसेस बोलते हैं, स्पाइसेस तो पाया जाता है, जो हल्दी होती है, टर्मरिक होता है, अपने टर्मरिक वो अपना सर्वाधिक पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ जो तुंगभद्रा दोआब है उसके लिए नहीं लगड़ी, देखिए लड़ी थी, तुंगभद्रा है, इसके बारे में कुछ बातें बता दें। तुंगभद्रा रिवर है एक रिवर, ये अपना जो कर्नाटक में से शुरू होती है बहनी, कर्नाटक से तेलंगाना, तेलंगाना से अरुणाचल प्रदेश है वहाँ तक जाती है, और इसकी जो तुंगभद्रा है रामायणकालीन भी माना जाता है, इसको रामायण में इसको कहा जाता था, इसको कहा जाता था पंपा, PAMPA पंपा इसको कहा जाता था। और जो इसके लिए नहीं लड़े थे वो थे अपना जो गोलकोंडा अहमदनगर सल्तनत है, जो तुंगभद्रा दोआब है उसके लिए नहीं लड़े थे। नेक्स्ट है मैं टूटा हुआ आदमी, देखिए जितनी भी बुक्स हैं जो मेन मेन फेमस बुक्स हुई हैं उनको आप याद कर लीजिए, उन पर एक क्वेश्चन बनता है। मैं टूटा हुआ आदमी किसके द्वारा लिखी गई है, लिखा गया तो वो लिखी गई है अपना जो मोहन चोपड़ा है उनके द्वारा ये लिखी गई है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का बायोडीजल के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है अपना जो ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन होता है, ये एक टाइप का जो फैटी होता है, फैटी सब्सटेंस टाइप का होता है, तो ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन के माध्यम से जो बायोडीजल के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है ये प्रोसेस। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम है किस शहर से, देखिए सोनू निगम का 3-4 बार ही रिपीट हो चुका है अपना HSSC एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन, तो ये अपना जो फरीदाबाद है वहाँ से बिलोंग करते हैं। धुएँ में उपस्थित जो आँख में खुजली होती है, हमारा धुएँ में इरिटेशन पैदा होती है हमारी आँखों में जब धुआँ आता है, तो उसमें जो तत्व होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है अपना ये होता है पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये तत्व होता है उसमें जिसकी वजह से हमारी आँखों में इरिटेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तो जो तांगड़ी नदी है, तांगड़ी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तांगड़ी नदी का ये है अपना जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ जो तांगड़ी नदी है उसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठोस मटेरियल होता है वेस्ट, उसके निपटान के लिए किया जाता है, उसको निपटान के मतलब उसका पुनः उपयोग या पुनर्नवीनीकरण के लिए जो नहीं किया जा सकता उनको ठीक किया जाता, मतलब ये किया जाता है जो भूमि भरने के लिए मान लीजिए गड्ढा खोद देते हैं, इसमें जो मटेरियल है ये ठोस वेस्ट मटेरियल इसमें भर दिया जाता है और ऊपर से ढक दिया जाता है, जो जीवाश्म वगैरह हैं बाद में काफ़ी लंबे टाइम लगता है इसमें भूमि में वो करने में, एक भस्मीकरण है जिसमें जला दिया जाता है, इसको बर्न कर दिया जाता है भस्मीकरण में, ताप अपघटन में कर दिया जाता है, इसमें हाई टेम्परेचर पर इसको ट्रीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पर, तो इसमें जो आंसर आएगा अपना उपयुक्त सभी आएंगे इसमें। नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड कहाँ स्थित है, NFL है नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, ये है अपना जो पानीपत है, पानीपत में नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड है ये अपना, और ये अपनी आई थी 1974 में स्थापित की गई थी 1974 में। इनमें से कौन सा है जो रक्त के संचार में सहायता करता है, मदद करता है, तो जो लिम्फोसाइट होते हैं अपने लिम्फोसाइट वो अपना इसमें मदद करते हैं। वनस्पति वन योजना कब शुरू की गई थी, तो वनस्पति वन योजना की शुरू की गई थी ये की गई थी अपना 1 नवंबर 2003 को ये योजना शुरू की गई थी। क्लोन है इंग्लिश में साइंस में यूज किया जाता करते हैं क्लोन, क्लोनिंग भी बोला जाता है, क्लोन क्या है, क्लोन किसकी बस्ती है, तो ये है एक ग्रुप है किसका है, तो जो समान बनावट की कोशिकाएं होती हैं जैसे जेनेटिकली सिमिलर होती हैं जो चीज़ें समान आनुवंशिक बनावट की कोशिकाएं होती है वो क्लोन की एक बस्ती होती है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अगर देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, देखिए हमें भी तो कुछ मोटिवेशन मिलना चाहिए ना, तभी हम आपके लिए जो है मॉक टेस्ट लेके आएंगे, बहुत मेहनत लगती है मॉक टेस्ट में। जाखल जंक्शन है किस ज़िले में स्थित है, तो जो जाखल जंक्शन है ये अपना कहाँ पर स्थित है, तो ये जो फतेहाबाद है, फतेहाबाद में जाखल जंक्शन है अपना। कीटाणुओं द्वारा जो परागणित फूल होते हैं उनको परागकण होते हैं जो, वो कौन से कीटाणु मतलब किस टाइप के होते हैं जो फूल, वो किस टाइप के फूल होते हैं जो वो होते हैं अपने परागकण होते हैं, वो रूखे और चिपचिपे होते हैं, रफ़ और स्टिकी होते हैं, रफ़ एंड स्टिकी, आर एंड एस होते हैं ये, है ना। सबसे खूबसूरत और उच्च उत्पादन वाली गायें हैं जो अपने यहाँ पे, उनके मालिकों को कितनी राशि दी जाती है उनकी देखभाल के लिए,
कितनी दी जाती है? वो दी जाती है अपने 2.51 लाख रुपीज़ उनको दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं उसमें? जो सर्वोच्च न्यायालय होता है अपना, CGI से अतिरिक्त जो CGI होता है अपना, उसके अतिरिक्त कितने होते हैं? तो होते हैं 30, टोटल होते हैं अपने 31 होते हैं इसमें, लेकिन फिलहाल अपने कितने हैं? 24 है ना, 24 करंटली। हरियाणा का सबसे गर्म तथा ठंडा ज़िला कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये अपना जो हिसार ज़िला है, ये अपना गर्म और सबसे ठंडा ज़िला है। गर्मियों में ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में ज़्यादा ठंड यहाँ पे होती है। आँखों में किसकी उपस्थिति है? जो उपस्थिति होती है उसमें जो रंग होते हैं, रंग दृष्टि होती है अपनी प्रभावित होती है। जो कौन सेल होती हैं, कौन सेल, उसकी वजह से जो रंग दृष्टि है वो अपनी प्रभावित होती है। हरियाणा सरकार द्वारा राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ स्थापित की गई है? तो की गई है वो, अभी उसका निर्माण भी सही अच्छे से पूरा नहीं हुआ है, तो ये अपना जो कुंडली है, कुंडली सोनीपत में, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। इसके सामने एक फूड पार्क भी है यहाँ पे राय में ही, राय में फूड पार्क, एक फूड पार्क सोनीपत राय। टेस्ट ट्यूब बच्चों के मामले में होता है, क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बच्चे होते हैं जो, तो होता जो एग होता है, एग का अंडा है, माँ के बाहर निषेचित किया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है। माँ के बाहर जो टेस्ट ट्यूब होती है उसमें उसका निषेचन, फर्टिलाइजेशन किया जाता है, फिर बाद में उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय यश चोपड़ा है जो नेशनल यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार है, वो 2016 किसको दिया गया था? देखिए जो दो ये है अपना नेशनल अवार्ड, ये यश चोपड़ा, ये अपना 2016 तो दिया गया था, जो रेखा को दिया गया था, रेखा को 2016, और ये था थर्ड था, पहले अपना जो 2015 में सेकंड और 2014 में स्टार्ट हुआ था, 2014 में पहला दिया गया था, और पहला दिया था अपना किसको दिया था? ये दिया था लता मंगेशकर को पहला, और जो दूसरा दिया था ये दिया अमिताभ बच्चन को दूसरा दिया था, और तीसरा है जो अपना रेखा को दिया था, और जो फोर्थ है अपना, फोर्थ दिया था शाहरुख खान को, और जो अभी अपना फिफ्थ है 2018 का दिया है, ये दिया है अपना आशा भोसले हैं, जो आशा भोसले को 2018 का फिफ्थ है जो ये अपना यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार दिया है। हैजा के जीवाणुओं को किसने खोजा था? हैजा के जीवाणुओं को देखिए जो मॉडर्न है, अच्छी तरह जिसके एक्सेप्टेड है, वो तो रॉबर्ट कोच की है। रॉबर्ट कोच माना जाता है कि जो हैजे के लिब्रियो वायरस, वो अपना बैक्टीरिया जो जीवाणु कीटाणु है उनको खोजा था, लेकिन जो हम आपको बता दें एक फिलिपो है, फिलिपो पेशिनी सबसे पहले, इनसे पहले भी इन्होंने इसको किया था, लेकिन जो ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है वो इनकी है, इसमें ज़्यादा इनको माना जाता है, रॉबर्ट कोच को, रॉबर्ट कोच इसका आंसर है। हरियाणा में शांति लीग का गठन किसने किया था? जो शांति लीग थी अब वो किसने की थी? शांति लीग ये थी अपना जो जमींदार लीग है ना, जमींदार लीग वगैरह, या फिडल है जो फिडल टाइप की, तो वो किसने शुरू की थी? वो छोटू राम थे, जो छोटू राम ने ये शुरू की थी शांति लीग है ना। यूरिक अम्ल किसके मुख्य नाइट्रोजन का कचरा होता है? यूरिक अम्ल होता है जो किसका नाइट्रोजन का, जो पक्षी होते हैं उनका जो कचरा होता है, वेस्ट मटेरियल होता है वो, उसमें यूरिक अम्ल ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का कचरा होता है वो पक्षियों में होता है। BMW हैं जो, BMW हैं उसके जो मुख्य अधिकारी हैं वो कौन हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में BMW है जो उसकी फुल फॉर्म वो बताएंगे। तो इसके हैं जो अपने CEO हैं वो हैं एराल्ड क्रूजर हैं इनके, और ये स्थापना की गई थी BMW की 1916 में स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में, इसका हेडक्वार्टर मुनिच जर्मनी, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहला स्मार्ट माउस है वो किसने बनाया था, कब बनाया था वो पहला स्मार्ट माउस है? जो पहला स्मार्ट माउस बनाया था वो डगलस एजलबर्ट है, जो इन्होंने बनाया था, ये बना तो इन्होंने 1960 में दिया था, लेकिन 1 नवंबर 1970 को इन्होंने पेटेंट कराया था अपने नाम इसका, जो कंप्यूटर माउस है। ब्लू जे पर्यटन स्थल है कहाँ पे स्थित है? ब्लू जे तो ये जो अपना संभालखा पानीपत है, पानीपत में ब्लू जे पर्यटन स्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में नो शेड की विशेषता क्या है? तो ये अपना जो लाल रंग है, लाल रंग में रेखा को प्रदर्शित करता है, जो नो शेड होता है HTML में, नो शेड। हरियाणा के नए DGP कौन है? देखिए जो अभी अपने DGP हैं वो कौन है, तो कौन है वो अपने BS संधु हैं, है ना, BS संधु हैं जो अपने अभी
डीजीपी हैं। इनको किसने रिप्लेस किया था? इनको रिप्लेस किया था जो डॉक्टर के पी सिंह पहले होते थे, उसके बाद अभी बी एस सिंधु बने हैं। अभी इनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है बी एस सिंधु को, ठीक है। इनको इन्होंने रिप्लेस किया के पी सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? तो जो कबूतर होता है, पिजन होता है, उसको जो प्रकृति का है जो रडार माना जाता है। गरीबदास है, उनका जन्म किस जिले में हुआ था? गरीबदास का जो छुडानी है, छुडानी झज्जर में, वहाँ पे जो गरीबदास है, संत गरीबदास, उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के संदर्भ में स्थानीय सरकार प्रयोग करती है? तो ये करती है अपना जो डेलीगेटेड अथॉरिटी होती है, प्रतिनिधि अधिकार होता है, वो अपना प्रयोग करती है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला छोटा क्यूबा के नाम से जाना जाता है? जो छोटा क्यूबा है वो अपना भिवानी है, जो छोटा क्यूबा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की जैविक विधि है? तो कौन सी है वो? ये है अपना जो समोच फार्मिंग होती है, कॉन्टूर होती है, कॉन्टूर समोच फार्मिंग, वो अपना जो जैविक विधि है, इस टाइप की मृदा संरक्षण की जैविक विधि है। सॉइल इरोजन से बचाती है अपना, इसमें जो पौधे वगैरह है लगाए जाते हों परपेंडिकुलर 90 डिग्री के आसपास, उसमें लगाए वो किए जाते हैं एक दूसरे के। हरियाणा में मारा गांव जगमग गांव योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो कब हुआ था हरियाणा में मारा गांव जगमग गांव का? ये हुआ था अपना 1 जुलाई 2015 को, जो मारा गांव जगमग गांव है 1 जुलाई 2015 को। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है, इसका क्या मतलब होता है? टेरा रोसा होता है जो, इसका मतलब होता है जो रेड सॉइल होती है, रेड सॉइल लाल इलाके की रेड सॉइल होती है, जो उसका टेरा रोसा से मतलब होता है। नेक्स्ट अपना, हरियाणा का जो प्रथम उपन्यास है झाड़ू फिरी, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी जो राजा राम है शास्त्री हैं, उनके द्वारा जो झाड़ू फिरी है वो लिखी गई थी। स्वाधीनता को कैसे सीमांत किया जा सकता है? तो स्वाधीनता को जो बाई लॉ है, कानून के द्वारा है, बाई लॉ के द्वारा इसको सीमित किया जा सकता है स्वाधीनता को। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में किले की स्थापना की थी? तो जो हिसार किला है उसकी इन्होंने स्थापना की थी, है ना, जो फिरोज शाह तुगलक हैं इन्होंने इसकी स्थापना की थी। सरकार की जो स्थिरता है जो आश्वासित की गई है, जो सरकार की स्थिरता है वो कैसे की गई है, किसकी वजह से वो की गई है अपना? जो प्रेसिडेंटल फॉर्म होती है, ये होती है अपनी अध्यक्षात्मक सरकार होती है, जो प्रेसिडेंटल फॉर्म होती है जो गवर्नमेंट की, वो अपना आश्वासित की गई है। अब हिंदी के देख लेते हैं आगे क्वेश्चन अपना, हिंदी और इंग्लिश के। जो हिंदी में जो व्यंजन वर्ण है अपने वो कितने हैं, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये है अपना 33 हैं। स्वर हैं स्वर 12 हैं, 33 हैं ये 33 हैं। कैसे है तक हैं ये, कैसे है तक, दो अपने अनुस्वार होते हैं, है ना, दो अपने अनुस्वार होते हैं, अंग और अय्या, और ये दो डॉट लगते हैं, इनको बोलते हैं अपना क्या बोलते हैं, विसर्ग, विसर्ग बोलते हैं इसको, है ना। क्षय ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो क्षय है अपना जो तालु से है, तालु है जो तालु है, क्षय ध्वनि का उच्चारण स्थान है। और चै छै जय झै छोटी बड़ी और ये और क्षय है जो अपने वो तालु में आते हैं, तालु है इनका। शक्कर शब्द है जो, उसका तत्सम रूप क्या है? शक्कर का तत्सम रूप है जो शर्करा होती है, शर्करा इसका तत्सम रूप है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो अग्नि है, अग्नि का कौन पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें देखिए जो अनिल होती है, अनिल होती है हवा होती है अपना, है ना, बाकी पावक वैशानरक कृषाणु अनिल हवा होती है, तो इसका जो पर्यायवाची नहीं है ये है, हवा का होता है पर्यायवाची अनिल। सही वाक्य बताना है इसमें हमने, सही वाक्य कौन सा इसमें, तो देखिए आप पढ़ेंगे इनमें देखेंगे, बादाम, बादाम होता है अपना, है ना, तो उसमें जो सही है अपना, उसने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया, तो ये है अपना जो सही वाक्य है इसमें। अवधिशिला का उर पर था गुरु थार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, इनमें कौन सा छंद है? तो इसमें जो छंद है अपना भरवे छंद है, इनमें भरवे छंद इनमें है। अवधिशिला का उर पर था गुरु थार, है ना। किस वाक्य में विराम चिन्ह का गलत उपयोग किया गया है? देखिए दो शब्द एक से यूज करते, घर घर जाकर तो किया जाता है, ये भी बोला जाता है जी, जो अपना कपड़ा लत्ता होता है वो भी विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह में जो है इसमें यूज नहीं किया जाता, पिता पुत्र में भी यूज किया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा सी। निम्न में से जो कौन सा है विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो देखिए जो ये फुल स्टॉप है अपना हिंदी में,
है ना, हिंदी में फुल स्टॉप पूर्ण विराम होता है, ये होता है, तो ये इंग्लिश में नहीं यूज किया जाता, ये भी ये इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। कुछ कुछ शब्द का युग्म सही अर्थ है, तो देखिए जो योग अपना कुछ होता है, ये क्या होता है अपना अरोज उरोज उरोज होता है, उरोज, या फिर इसको सतन सतन भी बोला जाता है ना, ये उरोज हो गया अपना, इसमें भी है इसमें भी है। और जो कुछ होता है प्रस्थान करना, प्रस्थान कुछ, और इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, उरोज और प्रस्थान। शम और शम, इसमें जो युग्म है वो कौन सा है, तो इसमें है देखिए, जो ये शम होता है अपना क्या होता है, शांति शांति होता है ना, या मोक्ष मोक्ष होता है, ये सम होता है, समान होता है अपना, समान ये वाला समान, और ये सम होता है अपना मोक्ष। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, समान और मोक्ष। अब इंग्लिश के देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, इंग्लिश में भी है, वोल्केनिक है होता है, वोल्केनिक द वोल्केनिक ब्लैंक वॉज द कोज ऑफ ग्रेट डिवेस्टिकेशन, ये होता है भाई नुकसान होना बहुत ज़्यादा, तो ये होता है अपना जो वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन बोलते हैं, वोल्केनिक इरप्शन। सिनोनिम बताना हमने ओस्ट्री पेरियोस, ये बताना आपको इसका, ओस्ट्री पेरियोस का या पेरियोस का, ये अपन को सिनोनिम बताना है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपना जो भाई नोइसी हो, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल हो, उसको ये बोला जाता है, ओस्ट्री पेरियोस बोला जाता है उसको, जो डिफ़िकल्ट टू हैंडल होता है, नोइसी होता है, ठीक है। तो इसमें जो रहेगा अपना अनरूली होगा, इसका भी सेम मीनिंग होगा, इसका सिनोनियम होगा, ये होता है जो अवेक वर्ड होता है अपना, ये होता है जो भद्दा टाइप में होता है ना, उदास टाइप में, ये होता है अपना डिफिकल्ट या भद्दा टाइप में होता है वर्ड। और जो अपना सुलन होता है, सुलन होता है बैड टेम्पर्ड, उदास या बैड टेम्पर्ड का होता है, ये अपना सुलन होता है। इनमें बताना है कि भाई जो ये दिया है जो ये सक्यूलेट वो दिया गया है, सक्यूलेट, तो इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है अपना, तो इसका मतलब होता है वो होता है डर्टी होता है, इसका सक्यूलेट का मतलब होता है डर्टी, तो इसका यही बताना, अपोजिट बताना हमें, ये तो डर्टी होगा तो क्लीन है, क्लीन होगा जो इसका सही होगा, ऑप्शन बी इसका 93 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सेकंड नेचर है, सेकंड नेचर दिया है, इसका मीनिंग बताना फ्रेज का हमें, सेकंड नेचर का मतलब क्या होता है, तो सेकंड नेचर का मतलब होता है कि भाई ए टेंडेंसी और हैबिट दैट मतलब बिकम बन जाए, कोई भी जो अपनी होती है फिक्स हो जाए, जो हैबिट होती है, ए मैन एक्वायरिंग ए फॉर्मली फिक्स्ड हैबिट, तो ये अपना सेकंड नेचर होता है। ये एक्ट ऑन हिज फ्रेंड टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, इसके बताना कि इसका इस जगह क्या यूज कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है, तो ये कह रहा है कि भाई उसको पार्टिसिपेट करने के लिए उकसा रहा है, थोड़ा कैप्ट अर्जिंग कर रहा है उसको, है ना, कैप्ट अर्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आफ्टर हैविंग पास्ड MSc ही ज्वाइंट द एयरफोर्स, तो इसमें एरर बताना कि इसमें क्या एरर होगा, तो इसमें एरर होगा देखिए अपना हैविंग पास्ट, है ना, हैविंग पास्ट का इसमें जो अपना एरर है ये इसमें आएगा, है ना। नेक्स्ट है व्हेन ए मैन डज नॉट रियलाइज हिज किनशिप विद द वर्ल्ड ही लाइव्स इन ए प्रिजन हाउस विच वॉल आर अलाइन टू हिम, देखिए जो इसमें कंजक्शन यूज किया है ये विच कंजक्शन ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हुज है, जो हुज कंजक्शन का इसमें प्रयोग किया जाएगा। इवन ए ब्लैंक ग्लैंस विल रिवील द मिस्ट्री, तो इसमें क्या आएगा, इसमें जो अपना कर्सरी होता है, कर्सरी इसमें यूज किया जा सकता है, कर्सरी को बोल ऐसे बोल जाता है सरसरी, या बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं जैसे उड़ती हुई बात नहीं आ जाती है कभी, ये बोलता है कि उड़ती हुई बात आई थी उसकी वजह से हमें मिस्ट्री को सॉल्व करने में आसानी हुई, उड़ती हुई बात है ना, कुछ छोटा मोटा भी क्लू है ना। यू ओट आउट टू हैव गोन देयर बट यू डिड, इसका हैव गोन है जो इसकी जगह बताना क्या आएगा, इम्प्रूवमेंट करना इसमें, तो यू ओट नॉट टू हैव गोन देयर बट यू डिड, तो इसमें जो रहेगा अपना नो इम्प्रूवमेंट, ये वाक्य है जो सही है अपना बिल्कुल। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है अपना आई वुड ग्लैडली अकम्पनी योर सिस्टर इफ़ यू हैव आस्क्ड मी, तो इसमें बताना इसकी जगह आई वुड ग्लैडली कंपनी में क्या आएगा, तो इसमें आएगा अपना वुड हैव यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, हैव यूज इसमें करना पड़ेगा, हैव ग्लैडली अकम्पनीड, वुड हैव ग्लैडली अकम्पनीड इसमें आएगा। ये थे अपना जो मॉक टेस्ट है इसमें डिस्कस करें हैं, इसमें हमने रीजनिंग और मैथ लिया,
क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है और बच्चे हैं जो उसको नहीं देख पाते। इंग्लिश और जो मैथ और रीजनिंग है इनकी सेपरेट क्लासेस चला रहे हैं जो रीजनिंग और मैथ है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, और आने वाली अपडेट पाने के लिए जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।